सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है, बौद्धों को बहुत बुरी तरह से देश भारत के अल्पसंख्यक चातुर्य बल व्यवस्था को मानने वाले मात दे रहे हैं, हरा रहे हैं। चूंकि वो इस समय ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां से वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना ये बौद्धों की जिम्मेदारी है। साकेत मुक्ति आंदोलन ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि भारत के बाहर जितने भी ऐसे देश हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें बुद्ध की विचारधारा पर भरोसा है, याद रखना दुनिया के बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान पूरा भारत होता है। दुनिया में जितने भी बौद्ध रहते हैं, जब भी उनका मन सुकून चाहता है तो वो बोधगया आ जाते हैं, सारनाथ आ जाते हैं, लुम्बिनी आ जाते हैं, श्रावस्ती आ जाते हैं। उन सभी बौद्धों के बीच में मैं अपील करूंगा, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सलाहकार लोगों ने बताया कि साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम को थ्रू दूतावास हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएं। हम लोगों का ज्ञापन तैयार हो गया है। अभी चूंकि दूतावास में जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही दिल्ली में, जितनी भी एम्बेसीज बनी हैं उन सभी एम्बेसीज में मैं ज्ञापन दूंगा, और उस ज्ञापन में यह दिखाने का, दर्शाने का प्रयास करूंगा कि भारत के बौद्धों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी छाती पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये सारे ज्ञापन तैयार कर लिए गए हैं साकेत मुक्ति आंदोलन की तरफ से, और जैसे ही हमें एम्बेसी में जाने का, राजदूत से मिलने का मौका मिल जाएगा, हम 20 लोगों की टीम, जिसमें 15 बौद्ध भिक्षु होंगे और 5 हमारे वरिष्ठ उपासक लोग होंगे, 20 लोगों की टीम एम्बेसी राजदूत से मिलेगी, और राजदूत के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी बात पहुंचाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका जब भारत से निवेदन करेगा, विनती करेगा कि आपके देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में देश भारत में बौद्ध भी रहते हैं, बुद्ध पर विश्वास रखने वाले भी रहते हैं, उनके साथ जो दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या करेंगे, तो इस सरकार को मेरी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आप सभी लोग हमारा साथ दें। हम लोगों ने मंत्रणा कर ली है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए एम्बेसी के पास पहुंच रहे हैं। जैसे ही कोरोना काल कम होगा, वैसे ही हमारी टीम एम्बेसी निकलेगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत सरकार पर पड़ेगा और भारत सरकार बौद्धों की बात सुनेगी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।